जगाई जा चंगे दिन आने जरूर मेरा वाली बाकी जो ते जगाई जा सोनू भैया जो वीडियो बनाते हैं ये एक भैया और थे और एक ये मैनेजर भावेश चौथा मैं और पांचवा ड्राइवर करनाल टोल पार किया हम चारों तो सो रहे थे ड्राइवर भी सो गया आपको यकीन नहीं होगा गाड़ी चलते चलते पानीपत टोल तक पहुंच गई 35 किलोमीटर दूर 35 किलोमीटर के बाद ड्राइवर ने ब्रेक लगाई उसकी आंख खुली तो वो घबरा गया घड़ी में टाइम देखा तो आधा घंटा बीत चुका था और गाड़ी चल रही थी जब ब्रेक लगाई तो मैं भी जगा मैंने उसका हाथ पकड़ा मैंने कहा यहीं पर चुप हो जा बस कुछ मत पूछना ये जो गाड़ी चला रही थी ना वो आई और हमें यहां तक पहुंचाकर वो चली गई तो जो इसकी जोत से प्यार करते हैं ना ये जीवन की जोत उनकी रक्षा करती है पल पल रक्षा करती है इसलिए मैं एक भेंट गाता हूं कि मेरा ध्यान रखने वाली मेरी माँ शेरा वाली मेरे पल पल की रखवाली मेरी माँ जोता वाली शेरा वाली माँ दी जोत जगाई जा चंगे दिन आने के जरूर शेरा वाली माँ दी जोत जगाई जा जरूर
जानिया बोलिया गमा दिया पंडा हो जान गिया होलिया गमा दिया पंडा हो जान गिया होलिया जदों दी मेरे वाला टिक्का मत्थे लगदा जदों दी मेरे वाला टिक्का मत्थे लगदा सतरा दा दीवा भी तूफाना विच जगदा सतरा दा दीवा भी तूफाना विच जगदा दी मूर्ति नु मन च वसाई जा संग दिन आणगे जरूर जयमा जयमा होने लगी पूरी गाड़ी में धुंध बहुत ज्यादा थी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था फिर मैंने ड्राइवर को कहा कि थोड़ा धीरे चला और तू भी जप कर जयमा 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 एक बस आई बड़ी स्पीड से और उस बस ने हमारी गाड़ी को एक सपोर्ट दे दी और हमने अपनी गाड़ी उस बस के पीछे भगा दी तो वो आशा बनकर आती है वो किरण बनकर आती है और कल तो वो धुंध में बस बनकर आ गई सीरा उत्ते बने ओ दी पगती दा पट्टा सीरा उत्ते बने ओ दी पगती दा पट्टा आफदा दा जिंदगी च रहेगा ना खटका आफदा दा जिंदगी च रहेगा ना खटका ओनू याद रखोगे ता ओ भी नहीं ओ भुलेगी ओनू याद रखोगे ता ओ भी नहीं ओ भुलेगी कि जो उसका ध्यान करता है जो उसका ध्यान करते हैं वो भी उसका ध्यान रखती है जो उसका ध्यान करेगा वो उसका ध्यान रखेगी ये पक्की बात है मुद्दता तो बंद तेरी तकदीर खुलेगी 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 सदा हो दे निर्दोष गुण गाई जा चाहते हैं वो बताएं वो आंखें खोलकर तो दिखती नहीं है उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी पर आंखें बंद करोगे और जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा करोगे तो मैं वादा करता हूं आपको उसके दर्शन जरूर होंगे अभी यहीं बैठे बैठे होंगे कौन कौन तैयार है थोड़ा सा पीछे डिस्टर्बेंस को रोक देंगे ठीक है आंखें बंद करके सभी की आंखें बंद और जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा आपको करना है इसको मानसिक पूजा कहते हैं क्या कहते हैं मानसिक पूजा काल्पनिक पूजा शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है जो मानसिक पूजा से माता रानी से जुड़ना शुरू हो जाते हैं उनका ध्यान भी लगना शुरू हो जाता है फिर कृपा होती है आंखें बंद सभी की आंखें बंद किसी की आंखें खुली नजर ना आए भैया जी बैठ जाओ बातें बंद करो यहां से आंखें बंद कमर सीधी कल्पना करनी है जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसी कल्पना आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि आप वैष्णो माता की चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं कटरा पार कर लिया पहाड़ों की चढ़ाई का सफर शुरू हो गया थक गए बैठ गए लास्ट में आप मां की गुफा के द्वार पर पहुंच जाते हैं गुफा के बाहर खड़े हो जाते हैं ना आगे कोई है ना पीछे कोई आप अकेले हैं आहा मां कैसा सुंदर नजारा आज मैं अकेला तेरे दरबार पर
कितने सुंदर दर्शन होंगे तुम्हारे। पर मां मेरी जिद है, मैं दिल्ली से आई हूं, इतनी दूर चलकर आई हूं। अब मेरी एक बात मान लो ना, अब गुफा से बाहर तुम आ जाओ। ऐसी कल्पना कीजिए कि आप वहां पर खड़े हैं और मां को कह रहे हैं कि मां मैं तो इतनी दूर आ गई, अब तुम गुफा से बाहर आ जाओ ना। जोर की ठंडी हवा आई, एक तो पहले ही ठंड, ऊपर से बर्फीली हवा आपके कानों को छू रही है, आपके कानों में मां के पायल की आवाज आ रही है। मां छोटी सी कंजक का रूप लेकर गुफा से बाहर आ जाती है। हा हा हा, आंखें बंद रखना अभी सब। आपके पास एक थैला है, मां को देखकर आप मंत्र मुक्त हो जाते हैं। लंबे लंबे केश, वो छोटी सी कंजक के माथे पर बड़ा सा लाल बिंदा, घाघरा चोली मां ने पहना है, ऊपर सिर पर लाल चुनरी सजाई हुई है, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ है। छोटी सी कंजक, आपने अपने बैग में से, थैले में से एक चुनरी निकाली और छोटी सी कंजक को उड़ा दी। तिलक की कटोरी निकाली, रोली का तिलक, छोटी सी कंजक के माथे पर आपने तिलक लगाया, फिर अपने थैले में आपने हाथ मारा, एक पाजेब का जोड़ा निकाला, वो छोटी सी कंजक के पैरों में पहना दिया। मां आज मैं तो धन्य हो गया, हे महामाई, हे जगत जननी, मैं धन्य हो गई। मां तूने कितनी कृपा की है कि आज कोई भी नहीं है तेरे दर्शन को, सिर्फ मैं हूं अकेली। तुमने मेरी चुनरी भी स्वीकार कर ली, मेरा तिलक भी स्वीकार किया, मेरी पाजेब भी स्वीकार की, ये नारियल की भेंट भी स्वीकार करो। मां ने आपका नारियल अपनी गोदी में लिया, आप मां के चरणों को पकड़कर गिर जाते हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा, एक उपकार और कर दो। ना जाने कितने जन्म बीत गए, इस जन्म जब इतनी सुन ली है तो एक उपकार और कर दो, हमें अष्टभुजी रूप में दर्शन दो मां जगत जननी जगदम्बा। मां ने आपके शीश पर हाथ रखा, आपने उस छोटी सी कंजक को अपन हृदय से लगाया और कहा कि जगत जननी हमें अष्टभुजी रूप में दर्शन दो, हम तेरा दर्शन करना चाहते हैं। मां ने अपना हाथ छुड़ाया और अपना हाथ छुड़ाकर आकाश में चली जाती हैं, शेर पर सवार अष्टभुजी रूप धारण कर लेती हैं। अष्टभुजी रूप धारण किया, अष्टभुजी रूप शेर पर सवार विराजमान है, आपने मां के चरणों को पकड़ लिया। मंदिरों में घंटियों की आवाजें आने लगी जब मां ने आपको अष्टभुजी रूप में दर्शन दिए। कि हे जगत जननी जगदम्बा, हम आज तक क्यों नहीं तुझे देख पाए, इतना आसान था तुम्हें देखना मानसिक पूजा के जरिए। मां ने अपने हृदय से आपको लगाया, आपकी झोली में सेब का फल दिया और धीरे 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 अंतर ध्यान हो जाती। जय मां जय मां जय मां जय मां
आंखें खोलिए, जरा हाथ ऊपर खड़े करके बताएंगे, जिनको आंखें बंद करके माँ के अष्टभुजी रूप के दर्शन हुए, जिनके हुए वही हाथ खड़े करना, और सभी गाइए मिलकर, जय माँ जय माँ।